हाँ बिल्कुल आना चाहिए। आजकल के यंगस्टर जो हैं वो भगवान में ज़्यादा विश्वास नहीं रखते हैं, तो रखना चाहिए और अपना योगदान देना चाहिए। जब आप लोग मचेल माता जी की यात्रा करते हैं तो दर्शनी द्वार पर ही जो पहला लंगर आता है वहाँ पर मैं हूँ, और ये लंगर शुरू करने वाले आकाश जी थे जिनकी आप तस्वीर देख रहे हैं। ये आज इस दुनिया में नहीं है आकाश महाजन जी, लेकिन इनका शुरू किया हुआ माता चंडी जी के नाम पे ये लंगर आज भी चल रहा है और काफ़ी बड़ा लंगर रहता है ये। और इनकी जो पूरी टीम है मैं आपको बताना चाहूँगा, ये सभी लोग जो हैं इस पूरे लंगर को चलाते हैं। अभी भी आप देख रहे हैं कई सारे लोग जो हैं यहाँ पर पहुँचे हैं जो इस समय इस लंगर के अंदर लंगर चख रहे हैं, और उसके बाद आगे जो है चाय वगैरह का भी लंगर रहता है। और जब कोई भी यात्री थका हुआ मचेल द्वार के लिए आता है वो सबसे पहले यहीं पर रुकता है, और अभी भी आप देखेंगे कितने श्रद्धालु यहाँ पर बैठे हैं जो इस समय इस लंगर के अंदर भोजन कर रहे हैं और थके हुए आए हैं। कुछ देर यहाँ पर ये लोग ज़रूर बैठते हैं। भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम राकेश गुप्ता है। राकेश जी, जैसे हमने शुरू किया कि आकाश जी ने ये लंगर शुरू किया था और ये लंगर तब से चल रहा है माता रानी के मेहर से, क्या आप कहना चाहेंगे कितने श्रद्धालु रोज़ आपके पास आते हैं? पहले तो मैं माता रानी का धन्यवाद करता हूँ कि इस साल जो यात्रा हुई है बहुत अच्छी हुई है, और माता रानी के आशीर्वाद से अगले साल आगे जो आने वाले दिनों में यात्रा बहुत अच्छी होगी। ये जो स्थान हमें दिया गया, ये ठाकुर कुलवीर सिंह ने मुझे स्थान दिया था तो हम यहाँ से लंगर शुरू कर सकें। जो फोटो वहाँ पे लगा हुआ हमारे दोस्त आकाश जी का है, वो हमें लेके आए थे यहाँ पे, उनके साथ साथ तब से लंगर चल रहा है। इसमें उधमपुर वालों का, डोडा वालों का, किश्तवाड़ वालों का, जम्मू का, कटरे का, सबका योगदान रहता है। तो कितने श्रद्धालु रोज़ाना आपके पास यहाँ से निकलते हैं, जो रश चल रहा है इस समय? लगता है 10,000 के करीब करीब रोज़ यहाँ से यात्रा जा रही है। तो पार भी बड़ा अच्छा इंतजाम किया है, एडमिनिस्ट्रेशन बड़ा इंतजाम अच्छा किया हुआ है, और रात को कुछ रहने के व्यवस्था हम भी कर देते हैं जितने हम कर सकते हैं, जितने हमारे पास स्पेस है 50-60 बंदे को लोग जहाँ भी रोज सोते हैं। भैया कितने बजे शुरू हो जाता है आपका लंगर सेवा? ये सुबह 5 बजे शुरू हो जाती है। अच्छा। 5 बजे चाय रस मिलता है, वो 7 बजे से पूरी नाश्ता शुरू हो जाता है, फिर 9:30 बजे नान शुरू हो जाते हैं, उसके साथ 11 बजे जैसे अभी खीर चल रही है खीर शुरू हो जाएगी, ये खत्म हो जाएगा तब उसके बाद फिर स्टॉल शुरू हो जाते हैं, कभी दही, आज दही बल्ला बन रहा है, कल टिक्की बनी थी, ऐसे शाम को जलेबी बनती है, ऐसे करके रात तक चलता रहता है। देखिए ये जितने भी श्रद्धालु आते हैं उनके लिए लंगर की सेवा सभी लोग करते हैं मिलकर और माता रानी के आशीर्वाद से। अभी ये एक छोटी सी गुड़िया भी है, ये भी यहाँ पर जो सेवा कर रही है ये खीर की सेवा कर रही है। आपका नाम क्या है? गुरांगी महाजन। तो आप पहले भी आते हैं यहाँ सेवा करने या इस बार आए? हर साल आती हूँ मैं, जब से पैदा हुई हूँ। इतना अच्छा लगता है, और एज ए यंगस्टर आप क्या मैसेज देंगे सबको कि यात्रा पे आना चाहिए भवन में? हाँ बिल्कुल आना चाहिए। आजकल के यंगस्टर जो हैं वो भगवान में ज़्यादा विश्वास नहीं रखते हैं, तो रखना चाहिए और अपना योगदान देना चाहिए। बहुत अच्छा, देखो ये छोटी सी गुड़िया है और कितना अच्छा मैसेज है कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं उनको धर्म की तरफ भी जाना चाहिए, सनातन धर्म के साथ भी जुड़ना चाहिए। और आप ये देखेंगे कि यहाँ पर ये सभी लोग जो हैं ये इस समय लंगर की जो है सेवा कर रहे हैं। आपका क्या नाम है मैम? शीतल। शीतल जी, क्या आप कहेंगे जो ये लंगर चलता है किस तरह से आप लोग सेवा करते हैं? हम सुबह जल्दी उठ के फिर जो नाश्ता होता है चाय नाश्ता, उसके बाद वो
पूड़ी और छोले ये स्टार्ट हो जाते हैं फिर दोपहर को, चावल डोसा वगैरह ये रात को शाम को स्टॉल लगता है। या आप हर साल आप भी आते हैं? मैं हर इसी साल आई हूँ। आप इस साल पहली बार आए? पहली बार आई। आप हर साल आएंगे? हाँ अभी हम हर साल आएंगे। तो भवन में भी गए अभी तक या? हाँ गए भवन में भी गए। पहले यात्रा की थी कभी? नहीं मैं फर्स्ट टाइम ही, मुझे भी फर्स्ट टाइम। कैसी रही यात्रा? मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस था, यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। बाकी लोगों को कुछ कहेंगे जो लोग यात्रा पे अभी तक नहीं आए हैं? मैं यही कहूँगी कि जो लोग नहीं आए हैं उनको यहाँ आना चाहिए और उनको भी यहाँ के एक्सपीरियंस लेना चाहिए कि यहाँ पे कैसे यहाँ पे मतलब कैसा इन्वायरमेंट है, कहाँ कैसी कैसी यात्रा होती है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये जो लंगर है आप भी आइए और बड़े ही स्वादिष्ट व्यंजन यहाँ पर मिलते हैं खाने को, तो ज़रूर यहाँ पर आइए। और ये पूरी सेवा जो है माता चंडी जी के आशीर्वाद से ही चलती है और सबसे बड़ा आशीर्वाद ठाकुर कुलबीर सिंह जी का भी। धन्यवाद। राम राम। सनातन धर्म की जय। चक्कर।